गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, श्री कन्या एकेडमी एंड एजुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो आपकी सहूलियत के लिए बना है, आपको एजुकेशन दे रहा है। यहाँ पे एजुकेशन के लिए आपके एक माध्यम बना हुआ है ताकि आपके पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो हमारे पोर्टल से जुड़े रहिए, लगातार अपडेट्स में रहिए, कांटेक्ट में रहें, टच में रहें, ताकि जो भी हमारे अपडेट्स हैं आपको मिल जाए, ठीक है। और इसी के साथ हम बात करते हैं, पिछली क्लास में जो हमने बात की थी, प्लांट्स में पढ़ रहे थे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब जानना क्या है, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं सिर्फ आज उन्हीं को डिस्कस करूंगा जो हमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जहाँ से एग्जाम्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि हमने पूरा प्रकाश संश्लेषण शुरू से अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा हमने। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या पढ़ा, तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, किस प्रकार है, रिएक्शन क्या है, इसकी अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया का समीकरण क्या है, सब कुछ पढ़ा। किसकी उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, पर्णहरित, हरित लवक, इन सबकी संरचना के बारे में जाना। और पर्णहरित का बात करें, अणुसूत्र पढ़ लिया हमने, उसको भी जान लिया। अब उसके अलावा बात करें तो और क्या है, उसके अलावा बात करें तो हमने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है दो चरणों में संपन्न होती है, एक प्रकाश अभिक्रिया और दूसरी अप्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया में एटीपी और एनएडीपीएच2 का निर्माण होता है जिनका उपयोग अप्रकाश अभिक्रिया में होता है, ठीक है। और प्रकाश अभिक्रिया के बारे में जो जानकारी दी थी वो आर्नोन नामक के वैज्ञानिक ने दी थी, ठीक है। और प्रकाश अभिक्रिया में दो फोटोसिस्टम काम करते हैं, एक प्रकाश वर्णक तंत्र प्रथम, दूसरा प्रकाश वर्णक तंत्र द्वितीय। प्रकाश वर्णक तंत्र प्रथम जो है 700 नैनोमीटर की लाइट पाकर के क्लोरोफिल को उत्तेजित करता है, जबकि बात करें प्रकाश वर्णक तंत्र द्वितीय 680 नैनोमीटर की लाइट पाकर के उत्तेजित होता है, क्लोरोफिल को उत्तेजित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजना पाकर के वो एक ग्राही से दूसरे ग्राही के पास जाते हैं, तो एक जो देता है वो दाता बन जाता है, दूसरा ग्राही बन जाता है अगेन, फिर वो जो पहले ग्राही था वो दाता बन गया और किसी और के पास, ग्राही के पास पहुंचते हैं। तो पूरा चीज़ बताई मैंने, प्लास्टोक्विनोन, फियोफाइटिन, फिर साइटोक्रोम B6, वापस से फिर FES कॉम्प्लेक्स क्लोरोफिल ए के पास, और वापस से घूमते हुए क्लोरोफिल लास्ट में जाता है इलेक्ट्रॉन NADPH के पास, ठीक है। तो इस पूरे प्रक्रम को हमने अच्छे से समझा था, पूरे टावर के फॉर्म में मैंने आपको ये चीज़ सारी समझाई थी। फिर हम एंटर करते हैं यहाँ पे, एक चीज और बताई थी मैंने प्रकाश संश्लेषण के दौरान यहाँ पे, तो वहां पे प्रकाश अभिक्रिया में जल का अपघटन होता है, जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है। फिर बात करेंगे अप्रकाश अभिक्रिया में, तो अप्रकाश अभिक्रिया को हम बात करें तो ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। फिर C3 चक्र की बात करें तो C3 चक्र जो है वो पाया जाता है C3 पार्पों में, ठीक है, और इसके बारे में बताया था कैल्विन बेंसन ने। जबकि C4 चक्र जो है ये पाया जाता है C4 पार्पों में, और इसके बारे में बताया था हैच और स्लैक ने। और C4 चक्र में बात करें तो ये है H and Slack नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो ये C4 पार्टों में पाया जाता है, ये C3 पार्टों में पाया जाता है, और C3 से C4 की जरूरत कहां पड़ी, क्योंकि बीच में एक C2 चक्र आ गया था, और इस C2 चक्र से बचने के लिए पार्पोम ने एक नया तरीका इजाद किया था जिसको कहते हैं C4 चक्र, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं आज C3 चक्र और C4 चक्र के बीच अंतर की, जो सामान्य क्वेश्चन है पूछा जाता है, ठीक है। C3 और C4 चक्र दो प्रकार की चक्रीय प्रतिक्रियाएं हैं, जो हमने बात की थी वो अप्रकाश अभिक्रिया के अंतर्गत आती है, इनके वैज्ञानिकों के नाम भी मैंने बता दिए, जो प्रकाश संश्लेषण की अंधेरे प्रतिक्रिया के रूप में होती है। अंधेरे की अप्रकाश अभिक्रिया बात करें, अंधेरे से कहें तो यह अप्रकाश अभिक्रिया की बात कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण सरल कार्बनिक अणुओं, अकार्बनिक अणुओं से ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, परिवर्तन किया जाता है। तो मुख्य रूप से हमने बात की थी CO2 से ग्लूकोज का निर्माण करना है। नेक्स्ट बात करें,
अब इनके बीच के मुख्य अंतर क्या क्या हैं, अब कंपैरिजन आपको आना चाहिए, तो एटलीस्ट अगर आपको C3 और C4 चक्र दोनों पता हैं तो अंतर आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या क्या अंतर पता रखना है। C3 और C4 चक्र दो प्रकार के चक्रीय अभिक्रियाएं हैं, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाश अभिक्रिया के रूप में आती है। सरल कार्बनिक अणुओं, ठीक है, सरल कार्बनिक अणु जैसे CO2 सरल है, अकार्बनिक अणु तो बात करें H2O से ग्लूकोज, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन और पानी का उत्पादन होता है। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के रूप में होती है और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश अभिक्रिया के बाद अंधेरे वाली अभिक्रियाएं होती है, क्योंकि प्रकाश अभिक्रिया में क्या बनता है, ATP और NADPH2 और साथ में यहाँ पे बात करें तो ऑक्सीजन जो होती है वो वातावरण में मुक्त कर दी जाती है। अब बात करें C3 चक्र भी कहा जाता है इसको, किसको, जिसमें C3 प्लांट में होता है इसको केल्विन चक्र, जबकि C4 चक्र जो C4 पार्प में होता है उसको हैच और स्लैग चक्र कहते हैं। मुख्य अंतर बात करें C3 और C4 चक्र के बीच, इन प्रतिक्रियाओं द्वारा निर्मित पहला स्त्री यौगिक C3 चक्र में पहला स्त्री यौगिक कौन सा होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C3 चक्र में पहला स्थायी यौगिक, जबकि C4 चक्र में पहला स्थायी यौगिक कौन सा होता है, ऑक्सलो एसिटिक अम्ल OAA। तो ये 4 कार्बन का होता है इसलिए इसको C4 चक्र कहते हैं, तो और ये 3 कार्बन का होता है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल इसलिए इसको C3 चक्र कहते हैं। तो ये पहला अंतर हमें पता पड़ गया कि C3 चक्र C3 पार्प में होता है जबकि C4 चक्र C4 पार्प में होता है, जैसे चिनोपोडियम गन्ना सोरगम ब्रायोफिलम को पत्थर चट्टा कहा जाता है। अब C3 चक्र में पहला स्थायी उत्पाद क्या होता है, 3-PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या अम्ल, जबकि C4 चक्र में बात करें पहला स्थायी यौगिक जो होता है वो 4 कार्बन का ऑक्सलो एसिटिक अम्ल होता है। C3 साइकिल क्या है, ठीक है, तो C3 साइकिल में बात करें तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। C3 चक्र दो प्रतिक्रिया मार्ग जो अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में होता है ये, ठीक है, और ये 3 चरणों में होता है। पहले चरण में क्या होता है, कार्बन का फिक्सेशन होता है, कार्बन का स्थिरीकरण होता है, जिससे एक 3 कार्बन का यौगिक बनता है जिसको कहते हैं फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, और जो हाइड्रोलाइज होता है बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निर्धारण होता है, तो क्या हो रहा है CO2 और RUBP के साथ जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करता है जिसको कहा जाता है 3-PGA। ये 3-PGA बना, इसको फॉस्फोग्लिसरेट कहा या फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल कहा हमने। अब ये अभिक्रिया जो प्रकाश वाली अभिक्रिया की थी वो तो थाइलेकर्ड में होती है, लेकिन हम जो ये अभिक्रिया बात कर रहे हैं ये कहाँ हो रही है, ये हो रही है स्ट्रोमा में अप्रकाश अभिक्रिया। तो पहला था कार्बन का स्थिरीकरण, दूसरा अपचयन, तीसरा वापस से बात करें तो RUBP का पुनर्निर्माण। कार्बन डाइऑक्साइड निर्धारण रुबिस्को एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है, कौन सा एंजाइम होता है, रुबिस्को एंजाइम होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकर्ड झिल्ली की स्ट्रोमल सतह पर पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्धारण C3 चक्र कदम तक सीमित रहता है, बस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्धारण कहाँ है, C3 चक्र में फर्स्ट स्टेप जो है कार्बन का स्थिरीकरण वहां तक सीमित है। एंजाइम रुबिस्को की उत्प्रेरक अपूर्णता के कारण एंजाइम आणविक ऑक्सीजन, हमने बताया था रुबिस्को जो एंजाइम होता है वो CO2 को भी फिक्स कर सकता है और ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है, जो उसको मिलेगा उसको ये फिक्स कर देगा, किसके साथ, RUBP के साथ, ठीक है, वो हमने C2 चक्र में हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया था। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है उसके दो अणु C3 चक्र में बनते हैं
और किससे, एकल कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा बनाए जाते हैं। जबकि दूसरे चरण में बात करेंगे तो थ्री फॉस्फोग्लिसरेट का एक अणु कम हो जाता है, जिससे तीन प्रकार के हेक्सोज फॉस्फेट होते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इत्यादि का निर्माण होता है और उससे ग्लूकोज का निर्माण होगा। उस प्रक्रिया को हम अपचयन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हमें मुख्य रूप से क्या याद रखना है कि यहाँ पे इसकी अपूर्णता के कारण सी फोर पार्पो का विकास हुआ है। नेक्स्ट बात करें, जबकि सी फोर चक्र में क्या है उसके बारे में थोड़ा देखें। सी फोर चक्र प्रकाश संश्लेषण की अंत देने में प्रक्रिया होती है, और जैसे गन्ना, मक्का, ठीक है, केकड़े जैसे गर्म और शुष्क वातावरण में बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सी फोर का उपयोग करते हैं। रंध्र के छिद्रों में गैस का आदान प्रदान इन पौधों में शुष्क और गर्म परिस्थितियों में होता है। ये सारे हमारे अंतर में काम आएंगे। अत्यधिक नुकसान को कम करने के लिए अधिकांश समय रखा जाता है। शीत ऋतु चक्र की प्रगति से पौधों की पत्तियों के अंतर कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता भी कम हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है तो प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्षमता कम हो जाती है। शीत ऋतु पात्रों में जैसे जैसे हम बात करेंगे, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आएगी। तो इस गिरावट की दर को वापस से रिकवर करने के लिए सी फोर पात्रों का विकास होता है। शुष्क और गर्म परिस्थितियों के लिए अनुकूल माने जाते हैं, इनकी दक्षता अच्छी होती है, ठीक है। इसीलिए इन पात्रों में बात करेंगे जो शुष्क और गर्म परिस्थिति होती है वहां पे सी फोर चक्र चलता है। अब यहाँ सी फोर चक्र में बात करेंगे तो इनकी कोशिकाएं जो है दो प्रकार की कोशिकाएं संबंधित होती है, दोनों को सम्मिलित रूप से क्रैंच एनाटॉमी कहा जाता है। क्रैंच एनाटॉमी में दो प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी है, एक तो मेसोफिल कोशिका है, दूसरी बंडल छिद कोशिका, इसको कहते हैं पोल आच्छद कोशिका, मंडल मयान, इसको पोल आच्छद कोशिका भी कहते हैं, पोल आच्छद। पत्ती के सवानी उत्तक बंडल शीत कोशिकाओं से गिरा हुआ है, क्रैंच एनाटॉमी इसको सम्मिलित रूप में कहा जाता है, ठीक है। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट मेसोफिल कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। जबकि वहां पे क्या था, CO2 किसके साथ जुड़ रहा था, C3 में बात करें तो ये CO2 है, किससे जुड़ रहा है, RuBP से, और RuBP 5 कार्बन का है। जबकि C4 में बात करें तो यही CO2 जो है किससे जुड़ रहा है, PEP फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, ये होता है 3 कार्बन का। तो ये RuBP से जुड़ रहा था, ये पेप से जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जो होता है मेसोफिल कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है और CO2 को फिक्स करने में मदद करता है, जिसी के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, पहला उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, जो कि 4 कार्बन का होता है, 1 कार्बन इसका, 3 कार्बन इसके मिलके हो गए 3 और 1 4 कार्बन का बना ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, ठीक है। फिर ऑक्जेलो एसिटेट बनता है जो 4 कार्बन का यौगिक होता है, और फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा प्रेरित होता है। एंजाइम कौन सा है यहाँ पे, कार्बोक्सिलेज। अब ये एंजाइम जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये विशिष्ट हो गया है, क्योंकि मैंने आपको एंजाइम्स पढ़ाए, थोड़ा एंजाइम्स को देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले रूबिस्को की बात की, तो वो CO2 के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, लेकिन यहाँ कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो आ गया है, अब यहाँ ऑक्सीजन होगी तो भी वो उसको फिक्स नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइम कौन सा है, कार्बोक्सिलेज है, इसलिए क्या है, ऑक्सीजन के लिए असंवेदनशील है। फिर ऑक्सोल एसिडेट को मैलेट में बदल दिया जाता है, और यहाँ पे मैलेट को बंडल शीत कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। बंडल शीत कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर शीत ऋतु चक्र में मैलेट प्रवेश करा दिया जाता है, ठीक है। फिर से वो शीत ऋतु चक्र अब चलेगा, वापस से वो CO2 अब किससे जुड़ जाएगा, RuBP से जुड़ के 3PGA का निर्माण करेगा, कहाँ पे, पोल आच्छद कोशिकाओं में। लेकिन CO2 अंदर तो आ गया, अब रूबिस्को को डायरेक्ट मिल जाएगा, वापस से मैलेट को फ्री करके। वापस से बात करेंगे तो पैप का निर्माण होता है, पाइरूवेट बनेगा, पाइरूवेट से वापस से पैप बन जाएगा, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बन जाएगा।
ठीक है। तो ये C4 चक्र का जस्ट एन ओवरव्यू है, इसका पूरा डायग्रामेटिकली मैकेनिज्म मैं समझा चुका हूँ जो हमारी पिछली क्लास में है, जिनको यहाँ समझ में नहीं आया तो वो थोड़ा सा वो हमारे डायग्राम को देखे, पिछली क्लास जो हमने पढ़ाई थी। तो अब अंतर के एक एक तौर पे, बड़े बड़े तौर पे हम फटाफट संसारी अंतर को देखें, जो भी अंतर है हमारा। तो पहला स्थिर यौगिक क्या होगा, तो पहला स्थिर यौगिक जो बात करें C3 और C4 को मैं साथ साथ लेके चलूंगा एक एक पॉइंट में। तो C3 में बात करेंगे तो तीन कार्बन का यौगिक होता है जिसको कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। जबकि C4 पार्ट में बात करें या C4 चक्र में बात करें तो पहला स्थिर यौगिक होगा वो 4 कार्बन का होगा। कितने कार्बन का होगा, 4 कार्बन का या 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन का क्या था, 3-PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट। जबकि यहाँ 4 कार्बन का है तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये तो ये 4 कार्बन का यौगिक होता है। तो पहला अंतर, पहला स्थायी यौगिक कौन सा होगा, C3 पार्टों में 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होगा, जबकि C4 पार्टों में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होगा जो 4 कार्बन का होगा। फिर पहला अवलोकन, तो C3 चक्र पहली बार केल्विन द्वारा देखा गया था, केल्विन का नाम मेल्विन केल्विन है, ठीक है, इसके द्वारा देखा गया, जबकि C4 चक्र जो है हैच और स्लैग द्वारा देखा गया। इसकी खोज जो हुई थी क्लोरेला पादप में हुई थी, क्लोरेला एल्गी में हुई थी, क्लोरेला सेवाल में हुई थी, ठीक है, इसके साथ साइमेंडेंसेस भी है। तो खोजकर्ता के आधार पर, तो खोजकर्ता कौन है, C3 चक्र के मेल्विन केल्विन, जबकि हैसलैग और स्लैग क्या है, C4 चक्र के खोजकर्ता है। तो एक अंतर ये हो गया। नेक्स्ट बात करें हम वैकल्पिक नाम, C3 चक्र का वैकल्पिक नाम क्या है, केल्विन चक्र इनके खोजकर्ता के आधार पर, जबकि इसका वैकल्पिक नाम हैच और स्लैग चक्र, ठीक है। सारे डिफरेंस आपको सिर्फ ये देखने हैं, आपको पूरी C3 चक्र और C4 चक्र पूरा याद हो जाएगा रट के। बाकी मैंने जो ड्रे डायग्राम से एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में हमारी, थोड़ा उसको देख लीजिएगा, उससे भी आपको बेटर वे में समझ में आ जाएगा जहां आपको डाउट लगेगा। कंपेयर कीजिएगा डायग्रामेटिकली, सीत उपस्थिति, C3 चक्र सभी पादपों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये जो भी प्लांट है C3 पादप है या C4 प्लांट है, सब में C3 चक्र तो होगा ही। जबकि C4 चक्र की बात करें तो ये पाया जाता है केवल और केवल C4 पौधों में, जैसे चारा, मक्का, गन्ना, सोरगम, चिनोपोडियम, ठीक है, ये सारे पादपों में, इन पादपों में C4 चक्र पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड के स्वीकर्ता, सबसे पहले CO2 को लेगा कौन, C3 चक्र में बात करें तो RUBP जो है 5 कार्बन का यौगिक जो होता है राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, वो CO2 को सबसे पहले स्वीकार करता है और 3-PGM इसको परिवर्तित करता है। कहाँ पे, C3 चक्र में, ये राइबुलोज बिसफॉस्फेट। जबकि C4 चक्र की बात करें तो यहाँ पे पहले स्वीकारकर्ता जो होता है वो एक 3 कार्बन का यौगिक होता है जिसको कहते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है। तो जो वो है यहाँ पे स्वीकारकर्ता किसका, CO2 का, C4 चक्र में। नेक्स्ट बात करें इसके बाद PP बुरा लिखा है, ये हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस में भी। अब कार्बोक्सिलेज एंजाइम की बात करें, C3 चक्र में C4 पौधों में बढ़ पड़े तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो रुबिस्को होता है, हम बात कर चुके हैं, इसी कारण से C2 चक्र भी हो गया था, रुबिस्को। फिर जो राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। अब C4 चक्र में जो एंजाइम होता है वो सिर्फ कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, जो सिर्फ पेप कार्बोक्सिलेज, ठीक है, और सिर्फ किसको फिक्स करेगा, वो CO2 को करेगा, जबकि रुबिस्को किसको कर सकता है, ये CO2 को भी कर सकता है या फिर ऑक्सीजन को भी कर सकता है।
CO2 को कर रहा है तो C3 साइकिल, ऑक्सीजन को कर रहा है तो C2 साइकिल या C2 चक्र, ठीक है। तो ये एंजाइम किसके लिए, कार्बोक्सिलेज एंजाइम है या पैर कार्बोक्सिलेज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ रूबिस्को नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन कार्बन निर्धारण, C3 चक्र में बात करें तो एक एकल कार्बन निर्धारण होता है, ठीक है। यहाँ पे जबकि दो दो दोहरे कार्बन का निर्धारण होता है, दो बार का कार्बन कार्बन का निर्धारण कैसे होता है, सबसे पहले CO2 किससे जुड़ता है, पैप से जुड़ा, क्या बना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है मैलेट में, इसको हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, ये चार कार्बन का, ये भी चार कार्बन का, अब ये मैलेट जाता है कहाँ पर, पूल आच्छत कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाएं में, पूल आच्छत, और ये कौन सी थी, मेसोफिल सेल्स या पर्ण मध्योतक, पर्ण मध्योतक की कोशिकाएं थी, वहां पे मैलेट बना, ये मैलेट अंदर आया, मैलेट बनता है वापस से बदलता है पाइरुवेट में, ये है चार कार्बन का, ये है तीन कार्बन का, तो इसी दौरान क्या होता है, एक CO2 मुक्त हो जाती है। अब ये जो मुक्त हुई है CO2, ये जुड़ती है RUBP के साथ और वापस से क्या चलाती है, C3 चक्र। तो C3 चक्र का निर्धारण कहाँ होगा, पूल आच्छत में होता है, ये C3 चक्र चलता है। तो CO2 दो बार का स्थिरीकृत होती है, एक बार यहाँ स्थिरीकृत हुई और दूसरी बार यहाँ स्थिरीकृत होती है कहाँ पे, C4 पार्पम में, जबकि C3 पार्पम में सिर्फ एक बार स्थिरीकरण होता है यहाँ पे, ठीक है, एक अंतर यहाँ। इसके बाद बात करें कार्बन फिक्सेशन में दक्षता, C3 चक्र में बात करें कार्बन निर्धारण C3 चक्र में कम कुशल और धीमा होता है, क्योंकि वहां पे रुबिस्को और रुबिस्को का ऑक्सीजन मिलेगा तो वो कंपैरेटिवली काम करता है, जबकि C4 चक्र में कार्बन निर्धारण में अधिक कुशल होता है क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ CO2 को फिक्स करना है, सिर्फ और सिर्फ CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण करने का कार्य करना है। कार्बन निर्धारण की आवश्यकता, कार्बन निर्धारण क्यों करना पड़ता है, उसकी आवश्यकता कहाँ है, यहाँ पे C3 चक्र में बात करें एकल कार्बन निर्धारण से, एकल कार्बन के लिए कितनी एटीपी चाहिए, तीन एटीपी चाहिए, मैं आपको सारे एटीपी के कैलकुलेशन बता चुका हूँ, और दो एनएडीपीएच की आवश्यकता होती है। अब जब यहाँ पे बात करें सी फोर के लिए, तो C4 के लिए यहाँ पे पांच एटीपी हो गई, दो एटीपी एडिशनल हो गई, किस स्टेप में मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ ये प्रोसेस जो होता है एक्स्ट्रा पाइरुवेट से वापस पैप बनाने का, ये वाला, इस स्टेप में फिर से एटीपी चाहिए, और एटीपी से क्या बनता है, एएमपी। तो यहाँ दो फॉस्फेट कंज्यूम हो जाते हैं, तो फिर से यहाँ हर मतलब कि हर एक स्टेप में क्या होगा, दो एटीपी अलग से चाहिए, तो कितनी हो गई, एक CO2 के लिए तीन एटीपी, तो यहाँ तीन तो C3 चक्र में और दो चाहिए यहाँ C4 चक्र के लिए, तो तीन और दो पांच एटीपी चाहिए एक CO2 के लिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, लेकिन NADH2 की बात करें तो तीन NADH2 की आवश्यकता पड़ती है। तो ये थोड़ा रहेगा एटीपी और कि यहाँ इसमें एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी। अब क्लोरोप्लास्ट के प्रकार, हरितलवण के प्रकार बात करें तो C3 चक्र में जो बात करें, दानेदार क्लोरोप्लास्ट C3 चक्र में शामिल हैं। कैसे, दानेदार क्लोरोप्लास्ट, जबकि C4 चक्र में बात करेंगे तो वहां पे दानेदार भी हो सकते हैं और अदानेदार दोनों प्रकार के क्लोरोप्लास्ट शामिल हैं, क्योंकि यहाँ मैंने बताया था C3 चक्र तो चलेगा चलेगा, साथ में एक C4 चक्र भी चलता है जो पर्ण मध्योतक की कोशिकाओं में होता है, और दोनों कोशिकाओं के बीच में जो जंक्शन होता है उसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। ये देखो, ये मैंने बताई पर्ण मध्योतक और इस तरफ है पूल आच्छत, और दोनों कोशिकाओं के बीच का जो जंक्शन होता है उसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा।
अब बात करें क्रैंज एनाटॉमी। क्रैंज एनाटॉमी वही है जिसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी। तो क्रैंज एनाटॉमी जो होती है C4 पादपों में मौजूद होती है, जबकि C3 चक्र में यह अनुपस्थित होती है। मतलब कि एक तरफ तो क्या है पर्णमध्यस्थ की कोशिकाएं और एक तरफ है फूल आसक्त की कोशिकाएं। तो इस प्रकार की एनाटॉमी को क्रैंज एनाटॉमी कहा जाता है। यह सिर्फ C4 पादपों में देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करें प्रकोष्ठ, तो शीतल चक्र में मेसोफिल कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे मेसोफिल कोशिकाओं और बंडल शीत कोशिकाओं या फूल आसक्त कोशिकाओं द्वारा दोनों के द्वारा कार्य किया जाता है। इसको फूल आसक्त भी कहते हैं। शीतल चक्र का इष्टतम तापमान जो है अधिकतम तापमान वो 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ना जबकि C4 चक्र की बात करें 30 से लेके 45 डिग्री तक अगर तापमान है तो भी C4 चक्र चलेगा, चल सकता है। लेकिन अगर यहाँ बात करें अगर यहाँ 30 से 35 डिग्री तापमान हो गया तो C3 चक्र चलना रुक जाएगा, जबकि ये हाई टेम्परेचर भी अधिक तापमान पर भी C4 चक्र चल सकता है। बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता पर, तो बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता है तो C3 चक्र पता है हमें रुक जाएगा और C2 चक्र चल सकता है। C3 चक्र बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता आगे बढ़ने से असमर्थ है, काम नहीं करेगा। जबकि C4 चक्र तो क्या करेगा, करेगा, क्योंकि उसके पास एंजाइम एक ही है कार्बोक्सिलेज पेप कार्बोक्सिकाइनेज, ठीक है। तो C4 चक्र बहुत कम कार्बन है तो भी अच्छी सांद्रता से आगे बढ़ेगा, ठीक है, यह भी फर्क है। ऑक्सीजन का प्रभाव, C3 चक्र बात करें ऑक्सीजन द्वारा बाधित होता है। C3 चक्र में बात की ऑक्सीजन द्वारा बाधित होगा तो कौन सा चक्र चल जाएगा, C2 चक्र, और जिसको हमने कहा था वारबर्ग इफेक्ट, और इसको डिस्कवर किया था डेकर व टियो ने। जबकि C4 चक्र जो होगा वो अवरोधक है, उसके CO2 ऑक्सीजन कितनी भी है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये अवरोधी नहीं बनेगा यहाँ ऑक्सीजन से, जबकि ये बाधित हो जाएगा, रुक जाएगा। अब सूरज की रोशनी का प्रभाव क्या पड़ेगा, C3 चक्र को सूर्य के प्रकाश से संतृप्त किया जा सकता है, C4 चक्र के प्रकाश से संतृप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बात करेंगे C4 CO2 जो फिक्स हो रहा है सीधा कहाँ पे, पेप से हो रहा है। फोटो रेस्पिरेशन मतलब कि प्रकाश श्वसन। C2 चक्र, C3 चक्र में फोटो रेस्पिरेशन की मात्रा देखी गई है, जबकि C4 चक्र में फोटो रेस्पिरेशन कैसा है, नगण्य है, कुछ भी नहीं देखा जाता है, ठीक है। निष्कर्ष हम क्या कह सकते हैं, C3 और C4 चक्र दो प्रकार की अंधेरेगी वाली अभिक्रियाएं हैं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है। C4 चक्र सभी पादपों में होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जबकि C4 चक्र C4 पादपों में 30 से 45 डिग्री टेम्परेचर पर भी हो सकता है। C3 चक्र के दौरान एक कार्बन अणु के निर्धारण की घटना देखी जाती है, जबकि C4 चक्र के दौरान दो कार्बन निर्धारण घटनाएं देखी जाती है, दो बार CO2 का फिक्सेशन होता है जो बता चुके हैं। फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन C3 चक्र के दौरान होता है, जबकि C4 चक्र के दौरान इसकी उपस्थिति नगण्य होती है। C3 चक्र की दक्षता की तुलना में C3 चक्र की दक्षता कम है, ठीक है। C3 चक्र और C4 चक्र के बीच मुख्य अंतर प्रत्येक चक्र में उत्पादित पहले स्थिर यौगिक के नाम की संख्या के आधार पर है, जैसे बता चुके हैं। पहला स्थिर यौगिक होता है C3 चक्र में 3 कार्बन का होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो 3 कार्बन का है, जबकि C4 चक्र में ये ऑक्सलो एसिडिक अम्ल होता है जो कि 4 कार्बन का होता है। तो दोस्तों डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरा आपको सारे अंतर बता दिए C3 और C4 चक्र के लिए, और एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण है। आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, नोट कीजिएगा, और इसको मैंने जो मेरा पूरा मतलब इससे पहले वाला प्रेजेंटेशन आप उसको भी देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छी सहूलियत मिले उस चीज़ को, और डायग्रामेटिकली आप इसको बेहतर वे में समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, तो इसको लाइक करना ना भूलें और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और जो भी रिलेटिव्स हैं जिनके लिए फ़ायदेमंद हो, जिनको ये फ़ायदा दे सके, ठीक है।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नहीं किया तो कर लीजिए, और कर रखा है तो अच्छी बात है, ताकि हमारे जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान अब आपसे आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद।